हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की क्या कुछ अपडेट है और कैसा मूवमेंट अब आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा, क्या कुछ इसके स्पॉट और टारगेट रहेंगे, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं अपडेट्स की। भाई, अपडेट यही है कि आपको अब इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट पे फोकस करना है। इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं 22 को, ठीक है, 22 को रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे ही भाई ये कंपनी अपने बैंक कह लो, कंपनी कह लो, ये अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज करती है, वैसे ही हम आपके साथ शेयर कर देंगे। 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप तक क्वार्टर वन के रिजल्ट पहुंच जाएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत अपडेट्स वगैरह की। देखो भाई, एक अपडेट है, सबसे पहले तो है कि भाई बजट में क्या कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है। अगर भाई ब्याज दर 2% की तरफ जारी होगी तो भाई जो ब्याज दरें हैं वो कम हो जाएंगी। ब्याज दरें कम होते ही बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी जो डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब भी कैसा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा, ये हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें एक लॉन्ग टर्म के व्यू से, तो स्टॉक साइडवे ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। साइडवे ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो आप नज़र आ रहा होगा, सिंपल एक ही जोन में घूम रहा है। तो यहाँ पे स्पोर्ट पे ऐसी कैंडल बनी थी कि भाई अब यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जो पहला टारगेट रहेगा 257 का, उसके बाद 272 का। इस बीच अगर ये टारगेट नहीं होते, 22 डेट को भाई क्वार्टरली रिजल्ट आ जाते हैं, तो भाई रिजल्ट अच्छे आने के नाम पे भी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगर रिजल्ट कुछ डाटा भाई मिलता है कि भाई कैसे रिजल्ट आने की संभावना है, तो उसके बेस पे भी स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक में आ ही जाएंगे इनके रिजल्ट, ठीक है। ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन कर देता है 237 का, तो उसके बाद स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि है 222 पे, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो फिर टेंशन की बात है, फिर काफ़ी नीचे के लेवल ये दिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। यहाँ पे गिरावट आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर गिरावट आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर गिरावट आई, फिर सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप सोच सकते हो कि कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, 272 का रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 300 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में, कमेंट करके बताना, और क्या कुछ इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने की उम्मीद है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। मैं किसी को पर्सनली रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।